हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको व्रत के लिए फलाहार बनाना सिखाऊंगी। इसमें मैंने आलू लिए हैं जो बॉईल कर लिए हैं, कटी हुई हरी मिर्च ली है, कटा हुआ हरा धनिया लिया है और व्रत वाला नमक लिया है, और मैंने साबूदाना लिया है। साबूदाने को मैंने मिक्सर से पीस लिया है, ये देखिए पीस के लिया है। अब मैं आलू को घिस के बारीक कर लूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ये कम चीज़ों से, इस टाइम में वैसे ही शॉर्टेज है थोड़ा सामान का, तो इसलिए कम सामान में मैं व्रत का टेस्टी नाश्ता बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए ग्राइंडर से मैंने आलू को बारीक कर लिया है। ये देखिए मैंने सारा आलू घिस लिया है अच्छे से। अब मैं इसमें बारीक कटी हुई जो मैंने मिर्च काट के डाली थी उसे डालूंगी। ये व्रत का नमक डाला है। आप इसमें काली मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। हरा धनिया डालना है। और जो साबूदाना हमने पीस के रखा था उस साबूदाने को डाल देना है और हाथ की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है और एकदम ये डोह के जैसे तैयार हो गया है। गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई गर्म हो रही है, उसमें घी डाल रखा है, घी डाल दिया है, कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है। और तब तक हम इसके, चाहे तो आप गोल शेप में टिक्की जैसा बना लीजिए। ये देखिए इस टाइम में टिक्की जैसे बना लिए, या फिर आप पकौड़ी के जैसे ही तोड़ दीजिए, जैसे आपको सही लगे उस शेप में आप बना लीजिए। ये देखिए ये मैंने बना के रख लिए हैं, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। जब तक हमारे पकौड़ी थोड़ी तैयार होती है सीख के, तब तक हम थोड़ी और बनाते हैं। तो देखिए और बना के रख लेंगे। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा शेप में बना सकते हैं, इसे ट्रायंगल भी बना सकते हैं, राइट एंगल भी बना सकते हैं। अब हम इन्हें पलट देते हैं। देखिए एक साइड से सीके हैं, तो पलट देते हैं कि ब्राउन कलर होने लगा है थोड़ा थोड़ा, तो अच्छे से भुनने लेंगे। ये देखिए हमारे पकौड़े तैयार हैं। ये देखिए तो कलर जितना प्यारा कलर आया है, और ये फूल भी गए हैं। ये देखिए सिक्के तैयार हो गए हैं, ब्राउन कलर हो गया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए हमने निकाल लिया है।
बना के रखे थे वो भी इसमें डाल देंगे, उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही कम टाइम में और कम सामान में बहुत ही टेस्टी व्रत का फलाहार है, जिसे आप बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। ये देखिए हमारे व्रत के पकौड़े तैयार हैं। और आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो मेरी अच्छी लगे आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी।